दोस्तों आज हम आपको 10 ऐसी वैम्पायर फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें थ्रिल है, डर है, कॉमेडी है, ऐसे ऐसे सीन है जो आप अकेले में देखें तो ही ज्यादा बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात ये फिल्में देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इन फिल्मों की खास बात ये है कि आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेंगी। हमारी इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक ऐसी फिल्में हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पर हमने हॉलीवुड की फिल्में चुन चुन कर ढूंढ निकाली है। इस लिस्ट में कुछ फिल्में नए जमाने की है और कुछ पुराने जमाने की, और ये सारी फिल्में एक से बढ़कर एक हैं। तो शुरू करते हैं एक ऐसी वैम्पायर फिल्म से जो इतने कमाल की है कि एक बार में तो मन ही नहीं भरता। इस फिल्म का नाम है वैम्प्स। वैम्प्स एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें भर भर के ऐसे सीन हैं जो आपका भी मूड बना देंगे। ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 2012 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एमी हेकरलिंग ने। इस फिल्म में लीड रोल में है हॉलीवुड की दो सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस अलिसिया सिल्वरस्टोन और क्रिस्टीन रिटर। इस फिल्म में दो फीमेल मॉडर्न वैम्पायर्स की कहानी है जो कि न्यूयॉर्क में रहती हैं। ये दोनों ही वैम्पायर हैं और जैसा कि हर कोई वैम्पायर्स के बारे में सोचता है कि वो बदसूरत और खून पीने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि अगर सच में ऐसी वैम्पायर्स होती तो लड़के इनके घर के सामने लाइन लगाकर खड़े होते। इनकी लाइफ अच्छी चल रही होती है, लेकिन फिर इन्हें कुछ होता है। अब आप सोचेंगे कि क्या होता है, तो जनाब वही होता है जो जवानी में सभी के साथ होता है, और फिर ये ढूंढने निकल पड़ती है एक साथी। इसके बाद जो कुछ होता है उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। वैसे कमेंट में ये जरूर बताना है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वैम्पायर बन जाए तो आप क्या करोगे। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म का नाम है डार्क शेडोज। ये एक फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2012 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था टिम बर्टन ने। ये फिल्म इतनी मजेदार है कि इसकी कॉमेडी और इसके सीन आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देंगे। इस फिल्म में कौन कब किसके साथ क्या कर रहा है ये देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। इस फिल्म का बजट $150 मिलियन था और इस फिल्म ने कमाए थे $245 मिलियन। ये फिल्म खास इसलिए भी है क्योंकि इस फिल्म में हमें ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर जॉनी डेप देखने को मिलते हैं, जिन्होंने इस फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है कि जिस सीन में वो होते हैं उस सीन से नजर ही नहीं हटती। तो इस फिल्म में होता यह है कि एक नॉर्मल अमीर लड़का एक चुड़ैल के श्राप की वजह से वैम्पायर बन जाता है। वो अपनी प्रेमिका को भी खो देता है और गांव वाले उसे जिंदा दफना देते हैं। करीब 200 साल बाद वो अपनी कब्र से निकलता है, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका होता है। अब वो कैसे इस नए माहौल में ढलता है, क्या वो अपनी लवर से फिर मिलता है और उस चुड़ैल से वो बदला कैसे लेता है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। वैसे इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ देखने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो भले ही रिलीज 1987 में हुई थी, लेकिन आज के टाइम में भी इस फिल्म को देखकर बहुत ज्यादा मजा आता है। इस फिल्म का नाम है माय बेस्ट फ्रेंड इज अ वैम्पायर। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था जिमी हस्टन ने। इस फिल्म में लीड रोल में थे रॉबर्ट सीन, जो कि उस टाइम तो बहुत कम उम्र के थे, लेकिन आज वो हॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। अब सोचिए अगर आप अपनी लाइफ में पहली बार किसी औरत के साथ बिस्तर पर हो और अचानक से उसका पति आ जाए तो क्या हो। वहाँ से भी अगर आप बचकर निकल जाएं और आपको बाद में पता चले कि उस औरत ने आपको गर्दन पर काट लिया है, तब तक भी आप शायद नॉर्मली रहोगे, लेकिन तब क्या हो जब आपको पता चले कि वो औरत एक वैम्पायर है। तब तो यकीन मानिए काटो तो खून नहीं वाली कंडीशन हो जाएगी। ऐसा ही कुछ होता है इस फिल्म में। इस फिल्म में जेरेमी नाम का एक लड़का जवानी के दिनों में कदम रखते ही अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सपनों में अक्सर एक औरत दिखाई देती है। इसके बाद वो औरत उसे हकीकत में भी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद तो उसकी लाइफ ही बदल जाती है। इस फिल्म में भर भर के कॉमेडी है जो आपको भी पागल कर देगी। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म का नाम है ओनली लवर्स लेफ्ट अलाइव। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2013 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जिम जर्माश ने। इस फिल्म में लीड रोल में है मार्वल की फिल्मों में लोकी का रोल प्ले करने वाले एक्टर टॉम हिडलस्टन और टिल्डा स्विंटन। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $7 मिलियन कमाए थे। इस फिल्म में एक परेशान म्यूजिशियन काफी सदियों बाद अपने लवर के साथ फिर से एक हो जाता है। हालांकि कई सदियों पहले इनका रोमांस खत्म हो चुका है, लेकिन ये दोनों फिर से एक नई पारी खेलने का प्लान बनाते हैं। अब जब यहाँ बात हो रही है सदियों की, तो मतलब ये है कि ये दोनों वैम्पायर हैं। अब इस मॉडर्न जमाने में दोनों कैसे अपने सदियों पुराने प्यार को जगाते हैं और इनका तरीका क्या है, ये आप इस फिल्म को देखकर समझ जाओगे। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म का नाम है ट्विलाइट सागा पार्ट 1। ये एक फैंटेसी रोमांटिक फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2011 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बिल कंडन ने। वैसे इस सीरीज में अब तक 5 फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाल की है और वैसी ही है जैसे आप देखना चाहते हैं। इस फिल्म में लीड रोल में है क्रिस्टीन स्टीवर्ट, रॉबर्ट पैटिंसन और टेलर लॉटनर। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $700 मिलियन की कमाई की थी, जो कि एक हिसाब से काफी ज्यादा है। तो इस फिल्म की स्टोरी है एक खूबसूरत लड़की की जिसे प्यार हो जाता है एक वैम्पायर से। अब ये लड़की उस वैम्पायर से शादी भी कर लेती है और जब इन दोनों का मिलन होता है तब कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ये फिल्म वैम्पायर फिल्मों की लिस्ट में सबसे बेस्ट फिल्म मानी जाती है, तो एक बार तो इसे देखना बनता है। वैसे इस फिल्म को देखने से पहले इसके पिछले 3 पार्ट जरूर देखना, क्योंकि तभी ये फिल्म समझ आएगी। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म काफी ज्यादा कमाल की है और ऐसा क्यों है ये आप आगे जान जाओगे। तो इस फिल्म का नाम है वैम्पायर सक। ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 2010 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जेसन फ्रीडबर्ग ने। ये फिल्म सिर्फ $20 मिलियन में बनी थी और इस फिल्म में कमाए थे $80 मिलियन। अब बेसिकली ये फिल्म एक स्पूफ है, मतलब ये कि इस फिल्म में वैम्पायर की कुछ फिल्में जिनमें हमारी लिस्ट की पिछली फिल्म ट्विलाइट सागा भी शामिल है, उनका कॉमेडी और हद से ज्यादा एडल्ट वर्जन दिखाया गया है। जहाँ वैम्पायर फिल्मों में आपको थोड़ा बहुत डर लगता है, वहाँ इस फिल्म में आप पेट पकड़ पकड़ कर हंसोगे। इस फिल्म में ऐसे ऐसे सीन है जिनमें कॉमेडी के साथ ही भरपूर रोमांस है, तो अगर कभी आप अकेले हो तो ये फिल्म जरूर देखना।
हमारी लिस्ट की अगली फिल्म का नाम है किस ऑफ डैम्ड। ये एक वैम्पायर हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2012 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जेन कैसवेट्स ने। ये काफी कमाल की फिल्म है और सच कहें तो अगर आप अपना वीकेंड घर बैठकर रात को एक ऐसी फिल्म देखकर बिताना चाहते हैं जिसमें कुछ नया हो, जिसमें डर हो, रोमांस हो और सस्पेंस हो, तो ये फिल्म आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। इस फिल्म में खूबसूरत वैम्पायर है जो कि एक स्टोरी राइटर से मिलती है। ये राइटर भी उसी की तरह जवान है और फिर दोनों करीब आ जाते हैं। ये दोनों दुनिया से दूर अकेले एक रिसोर्ट में अपनी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं, लेकिन फिर एंट्री होती है इस वैम्पायर की बहन की। इसके बाद जो कुछ होता है वो आपके भी होश उड़ा देगा। हमारी लिस्ट की अगली रोमांटिक वैम्पायर फिल्म का नाम है वैम्पायर्स किस। ये एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 1989 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रॉबर्ट बियरमैन ने। ये फिल्म इतने कमाल की है कि आज के टाइम में इसे बनाया जाए तो ये कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ देगी। उस टाइम ये फिल्म सिर्फ $2 मिलियन में बनी थी और इसने कमाए थे $725 मिलियन। वैसे इसके पीछे वजह ये भी थी कि इस फिल्म में लीड रोल में थे हॉलीवुड के बेस्ट एक्टर निकोलस केज। तो इस फिल्म में होता यह है कि निकोलस केज के कैरेक्टर को जब एक वैम्पायर काट लेती है तब उसे ऐसा लगता है कि वो वैम्पायर में बदल रहा है। वैसे अब वो सच में वैम्पायर में बदलता है या नहीं आपको फिल्म देखकर समझ आ जाएगा। वैसे इस फिल्म में कॉमेडी और रोमांटिक सीन इतने कमाल के हैं कि आप इस फिल्म को दोबारा जरूर देखोगे। अब बात करते हैं एक जबरदस्त कोरियन वैम्पायर फिल्म की। इस फिल्म का नाम है थर्स्ट। एक इरोटिक हॉरर फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2009 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बैट ने। अब नाम से आप समझ ही गए होंगे कि एक काफी ज्यादा इरोटिक फिल्म है, तो गलती से भी इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ मत देखना। इस फिल्म में वो हर चीज है जिसकी आपको तलाश है। इस फिल्म में आपको जबरदस्त इरोटिक सीन, हॉरर और थ्रिल, शानदार स्टोरी और साथ ही बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब इस फिल्म में होता यह है कि एक प्रिस्ट अचानक से वैम्पायर बन जाता है। इसके बाद वो जिस लड़की को सबसे पहले काटता है उसके साथ बार बार उसके फिजिकल रिलेशन बनाता है। लेकिन रुकिए जनाब, ये कहानी का एंड नहीं है, कहानी इसके बाद शुरू होती है। तो इस फिल्म का वो सस्पेंस क्या है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं सबसे लास्ट फिल्म की जो आपके सारे अरमान पूरे कर देगी। इस फिल्म का नाम है ब्रैम स्टोकर ड्रैकुला। ये गोथिक हॉरर फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 1992 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था फ्रांसिस फोर्ड ने। अगर आप सोचते हैं कि ड्रैकुला को सिर्फ खून की ही चाहत होती है तो ये फिल्म आपकी सोच बदल देगी। तो ये फिल्म है एक ड्रैकुला की जो कि अपनी मरी हुई पत्नी को ढूंढने निकलता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसकी आत्मा किसी इंसानी औरत के शरीर में है। खैर अब ये ड्रैकुला फिर उसे अपना कैसे बनाता है और क्या वो लड़की फिर से वैम्पायर बनती है या नहीं, ये हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। तो दोस्तों ये है हॉलीवुड की 10 बेस्ट वैम्पायर फिल्मों की लिस्ट जो हमने खास आपके लिए बनाई है। आपको इनमें से कौन सी फिल्म पसंद आई हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही कमेंट में ये जरूर लिखना कि आपको हॉलीवुड की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाते रहें। बाकी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को जरूर दबा दें।